हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोना और आप देख रहे हैं सोना फैमिली ब्लॉग। यहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपी और अच्छे अच्छे से ब्लॉग। तो ये आज मैंने बनाया है होली स्पेशल कलाकंद, खाने में बहुत ही टेस्टी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। देखिए, डबल शेड में मैंने बनाई है पिंक और वाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। चलिए हमारे साथ हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे कलाकंद। तो यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, पैन में हम आधा लीटर मिल्क डाल देंगे। आप दूध कच्चा भी ले सकते हैं या उबला हुआ भी ले सकते हैं। मेरा बॉयल किया हुआ मिल्क है। अब हम दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। कलाकंद बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है। इसको हमने हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक क्रश कर लिया है। इससे हम आज कलाकंद बनाएंगे। इस स्टेज पे हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी हम कम ही डालेंगे और अच्छी तरह से इसको चलाते जाएंगे। ये जो साइड में मलाई आ रही है उसको भी हम इसमें मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा दूध अच्छी तरह से जल्दी से गाढ़ा हो जाए। देखिए, दूध बॉयल होते होते कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसकी सारी मलाई इसमें हम मिक्स करते जाएंगे। अभी हमें और गाढ़ा दूध चाहिए। अभी हमें 10-15 मिनट और पकाने की ज़रूरत है। देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है, दूध का कलर भी चेंज हो गया है। अभी हमें सिर्फ थोड़ी सी देर और इसको गाढ़ा करना है। आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा हो गया है। देखिए, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है हमारा दूध। इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 500 ग्राम पनीर लिया है। इसमें हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। जो हमारा कलाकंद का मिक्सचर था उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक पार्ट को मैंने सिंपल रखा था और दूसरे पार्ट में मैंने रोज़ फ्लेवर का शरबत डाल दिया था, इसलिए ये पिंक कलर का हो गया है। देखिए, हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो गया है। मैंने इनको ठंडा करने के लिए दो बाउल में निकाल कर रखा था। अब हम इनको जमा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है। अब ये एक में क्लीन रैप इस पर अच्छी तरह से लगा लूँगी। अच्छी तरह से खोल लूँगी इसको और इसमें अच्छी तरह से लगा लूँगी। अब हम केक टिन में सबसे नीचे पिंक वाला फ्लेवर जो हमने बनाया था रोज शरबत वाला, वो हम इसमें बिछा देंगे अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। उस स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको बिल्कुल एक जैसा कर दूंगी। अब हम वाइट वाला भाग कलाकंद का वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से फैला देंगे चारों तरफ से, ताकि हमारा दो लेयर वाला कलाकंद होली स्पेशल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से जम गया है। अब हम इनको क्रेन टेप से अच्छी तरह से ढक देंगे और इसको मैं 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख दूंगी। हमें फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद हम आपसे आकर मिलते हैं। फ्रिज में रखने के बाद हमने कलाकंद को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसमें से मोल्ड में से हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए, हमारा कलाकंद अच्छे से सेट हो गया है। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट की कतरन से इसको गार्निश कर देंगे। काजू, बादाम और पिस्ता से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ।
अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। जितना आपको आकार पसंद है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये होली स्पेशल बनाई है मैंने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर बनाएं डबल शेडेड में। देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया लग रहा है पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन। मैं इसके सारे पीस कट कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया मज़ेदार लग रहा है। लीजिए बनकर तैयार हो गया है हमारा कलाकंद डबल शेड वाला होली स्पेशल। खाने में बहुत ही टेस्टी और ये बिल्कुल घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। और होली नज़दीकी है तो आप भी इसको बना सकते हैं। बाज़ार से मिठाई अभी वैसे भी मिलावटी आ रही होगी इसलिए आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं हेल्दी और टेस्टी अपने हाथों की बनी हुई मिठाई। थैंक यू।